केन्द्रीपदारे 5T सचिव और वीडियो कॉल जरिया मुख्यमंत्री सहित कथा होती अर्थात आज जितेबाला अनुगुल जिला गस्तर जाते 5T सचिव भिके पांड्यान से जगार एक सभा अर्थात जनसाधारण को से विभिन्न योजना संपर्क और जनसाधारण सुख दुख बुझापी जाते जहाँ मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पठाई पूर्व कहुला और आज भिके पांड्यान उपस्थित लोकों सहित ही कथा होते मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया कथा कर आज अनुगुल छेंडीपदा गस्तर थे 5T सचिव और ए समय आम देखुले जितेबाला गस्त समय अनेक भिड़ होता जिलार बुद्धिजीवी अनेक छामुआ संगठन व्यक्तिशेष साधारण जनता 5T सचिव को भेटार सुजोग पाई आलोचना समय जितेबाला लोकों सहित कथ होते 5T सचिव भिके पांड्यान से समय ही मुख्यमंत्री को वीडियो कॉल करते जितेबाला मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 5T सचिव सहित वीडियो कॉल जरिया जोड़ी होते से समय सीधा सड़ख लोके मुख्यमंत्री बार्ता पाई कारण आम पूर्व देखीचे 5T सचिव विभिन्न जिला गस्त कर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करा सहित विभिन्न प्रकार घोषणा कर विभिन्न जगार आम देखीचे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बार्ता लोकों निकट में पहुंचाई पश्चिम ओडिशा जितेबाला बरगढ़ गस्तर जाते से समय देखीचे आम कि आज किसी भिन्न चित्र आज सीधा सड़ख मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया 5T सचिव भिके पांड्यान सहित जोड़ी होते जो समय सभार उपस्थित थे शह शह लोक सीधा सड़ख लोके जहाँ प्रस्ताव देते से कथा भिके पांड्यान मुख्यमंत्री को जनावते मुख्यमंत्री तार उत्तर देते आज ये दृश्य पूरा अनुगुल छेंडीपदार लोकों यथे मात्रा रे उत्साहित करते भिड़ थिला से जगार समस्ते मुख्यमंत्री को देखापी यथे मात्रा रे उत्साहित थिले जितेबाला मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सीधा सड़ख उपस्थित थिबा लोकों सहित सभार जोड़ी हेले तापर एक आनंद गोटे खुशी समस्त मनरे खेली जाइथिला एवं भिके पांड्यान यार माध्यम साजिथिले अर्थात 5T सचिव यार माध्यम साजिथिले मुख्यमंत्री और लोकों मध्य वार्तालाप कर 5T सचिव भिके पांड्यान माननीय मुख्यमंत्री जानते सर छेंडीपदा एरिया गोटे कोल पेयरिंग एरिया बहुत ट्रक जाए और पोल्यूशन बहुत प्रॉब्लम अच्छी सो लोक मान अनुरोध अच्छे सर छेंडीपदा सीएचसी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के आम हॉस्पिटल रे शामिल करने माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध कर शुणुते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जितेबाला सभार जोड़ी होते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से समय जनसाधारण को उद्बोधन देते आम स्पष्ट भाव में शुणीपे 5T सचिव कहते कि लोकों समस्या कौन अच्छी कौन सब असुविधा अच्छी ता मुख्यमंत्री निकट में उपस्थापन कर अधिक सूचनापी भिकारी महांति आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ भिकारी आज कार्यक्रम समय केख्यक लोकों समागम होता और जो वार्तालापर चित्र आम देखे विस्तृत भाव में कहे भिके पांड्यान किभरी भाव में वार्ता करते लोकों समस्या को केमी नवीन पाखे पहुंचाई नवीन कौन सब उद्बोधन देते लोकं देखु आम जब कह बर्तमान 5T सचिव दुई दिन अनुगुल गस्तर आसमे कार्यर पर छेंडीपदा जाते छेंडीपदा बाट बाहन विषय उन्नति देखी प्रतिश्रुति जहां जहां आवश्यक सात दिन भितर मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे यापर छेंडीपदिया तहसिल पड़िया गोटे इंट्राक्शन एसएजी ग्रुप अन्य मैंने सहित इंट्राक्शन करते से ही समय से मुख्यमंत्री सहित वीडियो कॉलिंग रे कथा होते कारण छेंडीपदा अंचल गोटे प्रमुख समस्या थिला जे छेंडीपदार जो स्वास्थ्य केंद्र रही मो सरकार सामिल होना तेणु लोक मैंने मसाधिक काल छेंडीपदा अंचलवासी नहीं आंदोलन करते धारणा सहीटा लोकों मुख्य दाबी था जो 5T सचिव आसिकी पहुंचले लोकों दाबी ग्रहण कले जाने से तुरंत मुख्यमंत्री को फोन करते वीडियो कॉलिंग माध्यम से मुख्यमंत्री सहित कथाई मुख्यमंत्री को से कही वर्तमान मु छेंडीपदार अच्छी छेंडीपदा अंचलवासी दाबी हूँ यह हस्पिटाल को मो हस्पिटाल
सामिल करने तो मुख्यमंत्री वीडियो कॉलिंग माध्यम लोक मान उद्बोधन देते कही खुब शीघ्र ताेंडीपदा हस्पिटा की मो हस्पिटा सामिल करोक मैंने बहुत खुशी होते निश्चित भाव के समय धरी वार्तालाप चली अर्थात भिडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मुख्यमंत्री जोड़ी हुई थे देखो मुख्यमंत्री खाली एटापाखि दु रु तीन मिनिट कथा लोकों सांगे केवल गोटे प्रमुख दाबी जेहेतु थे फाइव टी सचिव मुख्यमंत्री को प्रमुख दाबी संपर्क ही अवगत करते तेणु मुख्यमंत्री से ही लोक वीडियो कॉलिंग माध्यम दे दु रु तीन मिनिट लोक कही खुब शीघ्र तार हस्पिटा को भी मो हस्पिटा सामिल करश्रुति लोक मधे खुशी लहरी खेला कारण पाखापाखि देढ़ मस आंदोलन करते खेडीपटा अंचलवासी से गोटे दाबी को लेकिन से अंचल गोटे बड़ दाबी थी और प्रमुख समस्या अंचल आवश्यकता थी और स्वास्थ्य सेवा लोके ठीक ढंग से पारे राज्य सरकार गुरुत्व दौंती तो लोकों दाबी यथार्थ रही दीर्घ दिन दाबी पर आज एभली ढंग से मुख्यमंत्री दाबी पूरण करतीश्रुति निश्चय जनसाधारण मनरे तो खुशी खेली जाइए मैंने बाहर जगह को आसुले चिकित्सा करूँ जिते सब असुविधा भोगुले संभवतः से असुविधा दूर हे और दर्शक बंधु आम लगातार भाव में आपको चित्र देखा आम प्रतिनिधि भिकारी महांती आम सहित लगातार भाव में जोड़ी होती से समय दृश्य कौन थी मुख्यमंत्री कौन बार्ता दे भिके पांडियान फाइव टी सचिव कौन सब आलोचना कले मुख्यमंत्री सहित तार पूरा आम तथ्य पूरा से समय कौन सब कथबार्ता होता वार्तालाप आम आप निकट में पहुँचाईप चेषा करूँ कि अंपटे जदि आम देखा फाइव टी सचिव जिला पर जिला गस्त करुँचन उन्नयनमूलक प्रकल्पर समीक्षा करुँचन गोटे बद सृष्टि होता कारण आम विभिन्न सभा देखीचे मुख्यमंत्री बार्ता अर्थात मुख्यमंत्री जो भयस दौंस से बार्ता को लोकों निकट में शुणुते भिके पांडियान अनेक आलोचना पर्यालोचना हाँपर आज कितु आम प्रथम थरपाई देखिले कि सीधा सड़क भिके पांडियान फाइव टी सचिव सभा उपस्थित अच्छा मुख्यमंत्री को भिडियो कल करूँ लोकों दाबी शुणुं लोकों समस्या कौन सीधा सड़क स्टेज पर ही मुख्यमंत्री को अवगत करूँ मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति दौरान सबकि पूरण हे हठात जितेबले अकस्मात लोके तो पूर्व जाणि नथिले कि एभली एक परिस्थिति आसी पारे मुख्यमंत्री सीधा सड़क सभा जोड़ी होई पारंती एक कथा लोकों को जणा नथिला जितेबले जाणिले बा लोकों भितर उत्साह कौन हला लोकों प्रतिक्रिया सब कौन आसुथिला से समय उत्साह तो निश्चित भाव कहे न सर कारण लोक केवि विश्वास भी करते फाइव टी सचिव आसवे और जो प्रमुख समस्या प्रमुख दाबी को सीधा सड़क वीडियो कॉलिंग माध्यम मुख्यमंत्री को जनइबे और मुख्यमंत्री लोकों सहित सीधा सड़क वीडियो कॉलिंग माध्यम कथा हे और प्रतिश्रुति देते एक लोकों पर गोटे स्वप्न था कह गए गोटे अविश्वसनीय था लोकों पर जो हठात देखे फाइव टी सचिव निजे कहले मुख्यमंत्री सहित कथा करूँगी आपण दाबी से खुब शीघ्र पूरण करेंगे आपण समस्या समाधान से खुब शीघ्र अटकाउची अजेश मल्लिक रोचे आम प्रतिनिधि अजेश आउ भयस नुहे एणिकी सीधा सड़क भिडियो कल जरिया लोकों सहित कथा करूँ फाइव टी सचिव बाकु नहीं तो अनेक पुणी चर्चा आरंभ हे निश्चित देखो जो फाइव टी सचिव विभिन्न जिला गस्त कर जनसभा लोकों समस्या शुणुं विशेषकर एसएससी ग्रुप महिला मान विभिन्न समस्या बुझुं यही क्रम देखिए आज खेंडीपदा गस्त करते समय एसएससी ग्रुप महिला मान सहित कथा होते विभिन्न आवेदन पत्र ग्रहण करते तार भितर लोक मान गोटे दाबी थी जे खेंडीपदा स्वास्थ्य केन्द्र को मो हस्पिटा सामिल कारण आप निकट में देखिए जो 147 टी कन्स्टिट्युएंसी जो निर्वाचन मंडल में गोटे लेखा हस्पिटा को मो हस्पिटा सामिल करूमि सजड़ा जा डाक्टर को अन्य सुविधा सुजोग दि जाऊ क्रम जैसे खेंडीपदा स्वास्थ्य केन्द्र को मो हस्पिटा सामिल करने को लोक मैंने दावी करते सीधा सड़क अन द स्पॉट फाइव टी सचिव मुख्यमंत्री को वीडियो वार्ता करते लोक मान समस्या बाबद अवगत करते अवगत करा द्वारा मुख्यमंत्री खुब शीघ्र समस्या समाधान हो वीडियो कॉल जरिया सीधा सड़क लोकों प्रतिश्रुति देते देखिए पूर्व या एक प्रकार गोटे प्रकार विरोधी फाइव टी सचिवों विभिन्न जिला गस्त को मुख्यमंत्री साउथ और फाइव टी सचिव कहीं जाने सचिव हो कहीं लोक प्रतिनिधि पर कम कर सीधा सड़ख या प्रश्न उठू ए संक्रांत में मुख्यमंत्री जानते ना ना विरोधी प्रश्न करते सीधा सड़क मुख्यमंत्री एक बार्तार देखिए एक वॉइस कॉल जरिया विरोधी को गोटे जवाब दिया गला
ନିଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ସିଧାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ ହେଉଛି, ନିଶାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦବା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଯେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯିବ, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଯେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜବାବ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବା, ଏ ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ଭିତ୍ତିହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଟାକ୍, କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଅଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ, ହସ୍ପିଟାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରାଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଣିକି ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଇ ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 147 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ କରାଗଲା ତା ଭିତରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ କରାଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି କୋଶଳାରେ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଗଲା, କାରଣ କୋଶଳା ଉପରେ ଯେତିକି ଲୋକ ନିର୍ଭର ନ କରୁଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ହେଲେ ଅଧିକ ଗାଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଗାଁ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଛେଣ୍ଡିପଦାର, ତେଣୁ ଲୋକେ ଦାବି କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦେବି ଆଉ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମିଲ କରିଦେବି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 40-50 ଜଣ ଗାଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ସାମିଲ ହେବ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ, ଲୋକ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପାଖାପାଖି ମାସେରୁ ଦେଢ ମାସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଆସିକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ଦାବିକୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଯାହା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁରେ ବ୍ଲକ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିଲକୁଲ ଭିକାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଜେଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଜେଶ, ଆମେ ଦେଖେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲେ, ଜବାବ ପ୍ରତିଜବାବ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା କାମରେ ବା ସିଧାସଳଖ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୁରା କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉଛି, ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ୟାର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଶାସକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜବାବ ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ଓ ସିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଇସଲା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆସୁଛି, ଇମିଡିଏଟ୍ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ କି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ହୁଏତ ଏଇ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦେବାକୁ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପୁରା, ବା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏ କଥା ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜେଶ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଚେଣ୍ଡିପଦା ଏରିଆ ଗୋଟେ କୋଲ୍ ପେୟରିଂ ଏରିଆ, ବହୁତ